तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, चलिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, फॉर 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। अभी सुनिएगा, ये जो 50 है ये क्या हो गया आपका, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो ये 50 क्या है बताइए, एन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं हम। ओके, फिर आगे क्या है देखिए, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स, मतलब कि एक्स, ठीक है, स्टेटिस्टिक का जो मार्क्स है उसको एक्स यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, और ऑन द मार्क्स इन अकाउंटेंसी यानी कि वाई। तो ये क्या है सुनिए, रिग्रेशन इक्वेशन है एक्स ऑन वाई, देखो एक्स ऑन वाई, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्स मतलब क्या, मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स, और वाई मतलब क्या, मार्क्स इन अकाउंटेंसी। क्या है ये देखो, ये आपका रिग्रेशन इक्वेशन है, लिख दीजिए द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज, ओके क्या है, 3y माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी आगे देखिएगा, द मेन मार्क्स इन अकाउंटेंसी इज 44। अभी मेन मार्क्स इन अकाउंटेंसी मतलब क्या, देखो अकाउंटेंसी का मार्क्स मतलब क्या, वाई, ठीक है, तो यहाँ पे मेन दिया है, मेन दिया मतलब वाई बार दिया गया है, वाई बार कितना है 44। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है। फिर आगे क्या है यहाँ पे देखिएगा, द वेरियंस ऑफ मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स। तो वेरियंस ऑफ मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स इसका मतलब क्या, सिग्मा एक्स स्क्वायर, क्योंकि मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स मतलब क्या, एक्स होता है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, देखिए द वेरियंस ऑफ द मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स इज 9/16, 9/16 ऑफ वेरियंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या बोला, 9/16 ऑफ वेरियंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का मार्क्स मतलब वाई, ठीक है, इसका वेरियंस यानी वेरियंस ऑफ वाई, इस तरीके से, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है आपको इतना, और बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना ये क्वेश्चन में दी गई थी, हमने कहीं से लिखा नहीं है, क्वेश्चन में से ही समझ के लिखा है, राइट। अभी देखो आपको फाइंड क्या क्या करना है, तो फाइंड द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, यानी आपको यहाँ पे एक्स बार बताना है, क्या बताना है, एक्स बार बताना है, राइट, और क्या बताना है, एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स, और आपको यहाँ पे आर बताना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, क्लियर है, समझ में आया ना क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग एक्स बार निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हम एक्स बार फाइंड कर सकते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से, आपके पास वाई बार है ना, तो आप एक्स बार भी निकाल सकते हो, कैसे बताऊं, सुनो हम क्या करेंगे, ये जो वाई बार का वैल्यू है ना, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे हमको एक्स का वैल्यू मिलेगा, और एक्स का वैल्यू ही क्या होगा, एक्स बार, क्योंकि हमने क्या सीखा है, हम क्या करते हैं जब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तब वहां पे हमको एक्स और वाई इन दोनों के वैल्यूज मिलते हैं, तो इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, एक्स बार और वाई बार कहते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे वाई बार दिया है, वाई बार मतलब क्या, वाई है ना, तो अभी इसमें जहां पर वाई है ना, हम लोग 44 रखेंगे इस इक्वेशन में, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे हमको एक्स का वैल्यू मिलेगा, और एक्स का वैल्यू ही क्या होगा, एक्स बार होगा, क्लियर है। चलो फटाक से कर लेते हैं, देखिए यहां पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू वाई बार कितना है, 44। देखो ये तीनों इक्वल ही है, y इज इक्वल टू वाई बार, यानी y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बार करके लिख सकते हैं, ठीक है, तो कितना है, 44 है। अभी कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इस रिग्रेशन इक्वेशन में, राइट, तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 44 इन रिग्रेशन इक्वेशन। ओके, तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, देखिए यहाँ पे 3y, y के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, 44 लिखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 44 माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 4 12 वन कह रही, 3 4 12 113, 132 माइनस 5x, 180 को उधर ले लीजिए तो माइनस 180 हो जाएगा, 132 को भी उधर ले लीजिए तो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 180
माइनस 132 दोनों को प्लस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि दोनों भी माइनस में है, तो 0 और 2 2, 8 और 3 8 9 10 11, 1 1 2 1 3 312। अभी 5 को उधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 312 माइनस अपॉन में क्या आएगा, माइनस 5। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 6 जा 30, 1 यहाँ पे 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ओके 5 2 जा 10, फिर इसमें से 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 4 जा 20। ओके, तो देखो x का वैल्यू हमको क्या मिला, 62.4। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, x बार हो जाएगा। ओके, तो अभी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 62.4, समझ में आया। तो देखिए हमको मीन बोला गया था निकालने के लिए, मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स हमने वो फाइंड आउट कर लिया है, अब हमको दूसरा क्या निकालना है, तो आर का वैल्यू बताना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, चलो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए तो सोचिए कि हम लोग कैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, आर का वैल्यू हमको कैसे मिलेगा। तो ये आपने फॉर्मूला सीखा है बी एक्स वाई का, फॉर्मूला क्या होता है, आर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो यहाँ पर हम यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास बी एक्स वाई रहता और ये दोनों रहता तो हम यहाँ पे आर का वैल्यू निकाल सकते थे, है ना। तो क्या हमको बी एक्स वाई मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि देखो इस रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से हम लोग बी एक्स वाई निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या हमको ये वैल्यू मिलेगा, जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा बताऊँ, ये देखो ये वाली कंडीशन इसीलिए तो दी गई है, चलो मैं आपको लिख करके समझाती हूँ। देखो इसको पहले लिखते हैं, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9/16 इंटू वेरियंस ऑफ वाई। ओके, अब क्या करना है, तो सुनिए इसको आप इधर ले लीजिए, इधर आने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा, वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल टू 9/16, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ऐसे लिखिए, देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये दोनों तो रूट में आ जाएंगे। अभी 9 को अगर आप रूट के बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, हाँ कंफ्यूजन नहीं। देखो ये क्या होंगे ना, ऐसे करके ये दोनों रूट में आ जाएंगे इस तरीके से, समझ आया क्या। अभी चलो एक स्टेप और कर देती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 9 को रूट के बाहर निकाल दीजिए 3, 16 को निकाल दीजिए 4, इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, इतना समझ में आया। तो देखो हमको ये तो मिल चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई तो मिल चुका है, लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, बी एक्स वाई चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बताया था ना अभी, चलो लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज, क्या है इक्वेशन, क्या है लिखिए यहाँ पर, 3y माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या है, x ऑन y है, इसका मतलब क्या, x एक तरफ बाकी सब उस तरफ। चलिए कर देते हैं, तो माइनस 5x इज इक्वल टू 180, उधर जाने के बाद माइनस 180, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है, माइनस 3y हो जाएगा, फिर माइनस 180, अभी 5 को भी उधर ले लेते, तो x इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 180 अपॉन माइनस 5, राइट। अब अलग अलग करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 5y, फिर माइनस 180 अपॉन 5। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर लिखते देयरफॉर x इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो यहाँ पे आ गया 3 अपॉन 5y, यहाँ पे भी देखो ये माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा प्लस। और क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं, तो कर सकते हैं ना, देखो 5, देखो 5 3 जा, ठीक है, 5 3 जा 15, इसमें से कितना बचेगा, तो 3 बचेगा तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, 36 प्लस 36। ओके, तो ये आपका क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो इसमें से हमको बी एक्स वाई का वैल्यू मिल सकता है ना। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे
कि देयरफॉर बी एक्स वाई इज इक्वल टू, वाई का कोएफिशिएंट क्या है 3/5, तो यही आपका बी एक्स वाई हो जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पर, इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हमारे पास ये भी है और ये भी है, तो हम लोग आर निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए अभी लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर, यहाँ पे क्या आता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, राइट। अभी वैल्यूज रखते हैं तो बी एक्स वाई कितना है 3/5 लिख देते हैं, आर हमको नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 3/4, ये भी लिख देते हैं 3/4, यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, ओके इतना समझ आया। अब उसके बाद देखो एक काम करते हैं, इन दोनों को इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3/5 × 4 ऊपर 3 नीचे इज इक्वल टू आर, 3 से 3 कट गया यानी आर इज इक्वल टू 4/5, और इसको आप कर दीजिए सॉल्व, तो आंसर हमको क्या मिलेगा आर इज इक्वल टू, देखो पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ जाएगा, 5 8 जा क्या होता है 40, यानी आर का वैल्यू हमको क्या मिला 0.8। समझ में आया आपको, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था मीन निकाल लें, मीन निकाल लिया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो भी फाइंड आउट कर लिया, तो आंसर आप लिखोगे कैसे, देखो आपको आंसर लिखना है द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इज 62.4 एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.8। तो चलिए लिख देते हैं द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इज 62.4 एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.8। समझ में आया, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो देखा आपने कितना आसान था, बस आपको ये समझना था कि इसमें दिया क्या है, अगर एक बार आप ये समझ जाते हो ना फिर आगे का तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको आप लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें क्या क्या दिया गया है देखिए, फॉर अ बाइवेरिएट डेटा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स इज 0.4। मतलब ये क्या है, तो देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब आपको पता है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को हम क्या कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, तो यहाँ पे क्या है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स यानी बी वाई एक्स कितना है 0.4, ठीक। फिर एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई यानी कि बी एक्स वाई कितना है 0.9 है, ठीक है इतना समझ में आया। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरियंस ऑफ वाई यानी आपको ऐसे वेरियंस ऑफ वाई बताना है अगर वेरियंस ऑफ एक्स कितना है 9 है, ठीक है ऐसा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पर लिख देते हैं गिवन, हमको इसका वैल्यू बताना है, तो कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ, बड़ा ही आसान है, बहुत छोटा सा इसका सॉल्यूशन होगा। आप ये फॉर्मूला लिखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, बी वाई एक्स कितना 0.4, बी एक्स वाई कितना 0.9, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36 आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों भी प्लस प्लस है तो आर भी क्या होगा प्लस होगा, यानी आर इज इक्वल टू 0.6। पता है ना कैसे आया, इसको रूट के बाहर निकाला तो 0.6 आया। यहाँ पे आप इसका रीजन लिख सकते हो कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ओके ऐसे एंड बी वाई एक्स बोथ आर पॉजिटिव, ओके बोथ आर पॉजिटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी क्या हो जाएगा मतलब आर भी आपका क्या होगा पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे आर का वैल्यू निकाल लिया कितना 0.6, ठीक है। और क्या दिया था इसमें, तो वेरियंस ऑफ एक्स कितना है 9 है, स्क्वायर रूट ले लीजिए, इस स्क्वायर को उधर लेकर के जाइए तो क्या हो जाएगा ये रूट में हो जाएगा, अभी इसको रूट के बाहर निकालो तो क्या आता है 3 आता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ गया 3 आ गया, लेकिन हमको तो ये फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों की हेल्प से क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। फॉर्मूला लिखते हैं हम
देखो आप यहाँ पे ना चाहो तो ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बी वाई एक्स ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बी एक्स वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका मैंने क्या बताया था, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओके, तो बी एक्स वाई कितना है, अच्छा मैंने ये ले लिया बी एक्स वाई, चलेगा वो भी ले सकते हैं, 0.9 लिख देते हैं यहाँ पर, 0.9 इज इक्वल टू, आर हमें पता है क्या, देखो ना अभी अभी निकाला 0.6, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, है ना हमारे पास 3, अभी अभी इधर निकाला था, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमको नहीं पता है, अब क्या करें, तो देखो इसको इधर लेते हैं इसको उधर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 6, रीजा क्या होता है 18 होता है, राइट, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर 9 को इधर ले लेंगे 0.9, अब क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आया 18/9, अभी कैंसिल कर दीजिए, 9 2 से क्या होता है 18 होता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना आया 2 आया, ठीक है। हमको तो वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए, तो क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, तो देखो ऐसे सिग्मा स्क्वायर वाई और ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करने को, तो देखो वेरिएंस ऑफ वाई कितना आया 4 आया, तो देखा आपने ये क्वेश्चन भी कितना आसान था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें क्या दिया है, द इक्वेशंस ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस आर, पहला इक्वेशन ये है 2x + 3y - 6 = 0, और दूसरा इक्वेशन ये है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, आप लोग यहाँ पे लिख लेना 3x, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि देखो टेक्स्ट बुक के पीछे जो आपका आंसर दिया ना, अगर आपको उस आंसर से मैच करना है तो आपको यहाँ पे 3x लिखना ही पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे 2 लेकर के सॉल्व करोगे ना तो आपका रूट में ऐसे करके कुछ तो आंसर आएगा, ठीक है, तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे 3 कर ले, और जो हमारा आंसर आएगा ना लास्ट में वो पीछे के आंसर से मैच भी होगा, ओके समझ में आया, तो इसको आप नोट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे आप 2 रख के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, आप करना और बताना कि आंसर कितना आया। चलो अभी देखते हैं हमको फाइंड क्या क्या करना है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि हमको आर बताना है और सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, तो कैसे करेंगे, देखिए आपके पास 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, पहला ये दूसरा ये, ठीक है, तो हमको आर चाहिए, तो आर के लिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, राइट, तो देखो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस की हेल्प से बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालेंगे। अभी हमको ये नहीं पता कि कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई है और कौन सा वाई ऑन एक्स है, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे लेट, इसको हम लोग वाई ऑन एक्स अज्यूम कर लेते हैं और इसको एक्स ऑन वाई, ठीक है, ऐसा करने से अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तब तो हम बोल देंगे कि हमारा अजम्पशन राइट था, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर से हम अज्यूम करेंगे, यानी हम दूसरा केस लेंगे, फिर दूसरे में हम क्या करेंगे, इसको वाई ऑन एक्स कंसिडर करेंगे और इसको एक्स ऑन वाई, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेट 2x + 3y - 6 = 0 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड 3x + 2y - 12 = 0 बी दैट ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है, इतना हमने लिख दिया, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं वाई ऑन एक्स, हमने इसको कंसिडर किया है, तो 2x + 3y - 6 = 0, ये क्या है y on x है, इसका मतलब क्या हुआ, y इधर बाकी सब उधर, तो लिखते हैं 3y = देखो 2x को उधर लेंगे तो -2x हो जाएगा, और इस -6 को उधर लेंगे तो +6 हो जाएगा, राइट, अभी 3 को उधर ले लेते हैं तो y = -2x + 6/3, अभी अलग अलग करके लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर y = -2/3 x + 6/3, ठीक है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो 3 1 3 2 यानी
लास्ट में देखो हमको इक्वेशन क्या मिला, y इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन थ्री एक्स प्लस टू। ओके, तो ये हमको इक्वेशन मिला। अभी इसमें से हमको क्या मिल सकता है, बी वाई एक्स मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे देयर फॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस टू अपॉन थ्री, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस टू अपॉन थ्री। ओके, माइनस टू अपॉन थ्री, ये हमको क्या मिला, बी वाई एक्स। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हम ये वाला इक्वेशन लिखेंगे थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने क्या अज्यूम किया है, x ऑन y, मतलब क्या, x एक तरफ बाकी सब उधर, तो 3x इज इक्वल टू ये 2y उधर जाने के बाद माइनस टू वाई हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व उधर जाएगा तो प्लस ट्वेल्व। अभी 3 को उधर ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस टू वाई प्लस ट्वेल्व अपॉन थ्री। फिर अलग अलग करके लिखते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन थ्री वाई प्लस 12 अपॉन थ्री। अभी इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 3 4 सा 12, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू अपॉन थ्री वाई प्लस 4। ओके, अभी इससे हमको क्या मिलेगा, बी एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, देयर फॉर बी एक्स वाई इज इक्वल टू, वाई का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस टू बाई थ्री। समझ में आया आपको, तो यहाँ पर हमें बी एक्स वाई मिला और ये बी वाई एक्स मिला। अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या यही दोनों मतलब वैल्यूज रहेंगे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के। तो ये कैसे चेक करेंगे, एक कंडीशन होता है, कौन सा कंडीशन बताया था ना मैंने पहले भी, ये वाला बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू, बी एक्स वाई कितना है, माइनस टू बाई थ्री लिख दिया हमने, बी वाई एक्स कितना है, माइनस टू बाई थ्री ये भी लिख दिया। अभी टू टू ज़ा फोर, माइनस माइनस प्लस, थ्री थ्री ज़ा नाइन। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको जीरो पॉइंट और कुछ तो इसके आगे मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, लेस देन वन, वन से छोटा है, यानी ये वाला जो कंडीशन था, ये वाला कंडीशन वो सेटिस्फाई हो गया है ना। देखो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स क्या होना चाहिए, वन से छोटा होना चाहिए, तो है ना, ये मतलब ये वाला जो हमारा कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही होगा, माइनस टू बाई थ्री बी वाई एक्स का वैल्यू होगा और बी एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, माइनस टू बाई थ्री। मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो क्या है, राइट है। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये है आपका वाई ऑन एक्स और ये क्या है, एक्स ऑन वाई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिंस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज लेस देन वन, सो दे आर फोर, यहाँ पर लिखेगा सो दे आर फोर आवर अजम्पशन इज राइट, यानी हमने जो अज्यूम किया था वो क्या है, राइट है। ओके, आवर अजम्पशन इज राइट, सो दे आर फोर, यहाँ पर लिखेंगे सो दे आर फोर बी एक्स वाई कितना, माइनस टू बाई थ्री हो जाएगा और बी वाई एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टू बाई थ्री। ओके, इतना आपको समझ में आया। अभी क्वेश्चन में आ जाइए, पहला क्या बोला था निकालने, कोरिलेशन को एफिशिएंट, तो यहाँ पर हम लोग नंबर वन डालेंगे और लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है ना आपको, बी वाई एक्स इंटू इंटू बी एक्स वाई होता है, वैल्यूज रखते बी वाई एक्स माइनस टू बाई थ्री, बी एक्स वाई माइनस टू बाई थ्री, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू टू ज़ा फोर, थ्री थ्री ज़ा नाइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और ये दोनों इस तरीके से रूट में आ जाएंगे, राइट, प्लस माइनस। अभी ध्यान दीजिएगा, ये जो आर का वैल्यू है वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो बी वाई एक्स किस में है, माइनस में, बी एक्स वाई किस में है, माइनस में है। जब ये दोनों माइनस तो आर भी क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये तीनों का साइन क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर फोर आर इज इक्वल टू माइनस, फोर को रूट के बाहर निकाल दीजिए टू, और नाइन को बाहर निकाल दीजिए तो क्या आएगा, थ्री आएगा। समझ में आया, और इसका आप कारण क्या लिखोगे, यहाँ पर माइनस कैसे आया, यहाँ पर लिखिए कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स बोथ आर निगेटिव, ठीक है, अगर ये दोनों निगेटिव है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। समझ में आया, तो ये हो गया आपका आर का वैल्यू। पहला क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया, आप देख सकते हो पीछे जा करके मिला लीजिए, यही आंसर आया रहेगा, जाइए और देखिए एक बार, ठीक है। तो अभी सेकेंड क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में देखो हमको क्या निकालना था,
सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पे आप डी वाई एक्स भी ले सकते हो, बी एक्स वाई भी ले सकते हो, दोनों में ही आपको एकदम सही सही आंसर मिलेगा। कैसे करना है? बड़ा ही आसान है। देखो यहाँ पर लेते हैं बी एक्स वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, आर और इन टू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, है ना, यही था। वैल्यूज रखते हैं, बी एक्स वाई कितना है, माइनस टू बाय थ्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस टू बाय थ्री इज इक्वल टू, आर कितना है, माइनस टू बाय थ्री इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। अब क्या करेंगे, तो ये दोनों को इधर ले लेते हैं, तो देखते जाइएगा यहाँ पर माइनस टू बाय थ्री इंटू, देखो थ्री इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा और टू आ गया नीचे, माइनस है तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, अभी देखिएगा टू से टू कट गया, थ्री से थ्री कट गया और माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो यहाँ पे देखो सिग्मा एक्स, यहाँ पर लिखिए सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, हमको क्या मिला, वन। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ कैंसिल हो गया है, मतलब बचा क्या है, वन है। ओके, आपको यही निकाला था ना सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, तो देखिए हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, तो बस आपका यहाँ पे ये जो फिफ्थ क्वेश्चन था ये कम्प्लीट हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना था, माइनस टू अपॉन थ्री आ गया, उसके बाद सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई वन आया। ओके, तो यहाँ पे आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अभी भी अगर आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे थ्री क्यों रखा, हमको टू ही लेकर के सॉल्व करना चाहिए था, तो आप कर लीजिएगा, यहाँ पे टू रख के आप सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितना आंसर आया है। ठीक है, वैसे कंपलसरी नहीं है करना, मन करे तो करना, नहीं तो बस यही लिखना। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, फॉर अ बाइवेरिएट डेटा एक्स बार 53, वाई बार 28, बी वाई एक्स माइनस 1.5, बी एक्स वाई माइनस 0.2, एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 50। अगर एक्स का वैल्यू 50 है तो आपको वाई का वैल्यू बताना है, तो कैसे करोगे, याद कीजिए आपने एक्सरसाइज 3.2 में इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, एक्स का वैल्यू है, वाई का फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन हम फाइंड करेंगे वाई ऑन एक्स, उसके बाद उस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमको वाई का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, कितना आसान। चलिए करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x बार कितना है 53, y बार है आपका 28, उसके बाद बी वाई एक्स कितना है माइनस 1.5, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो इसको लिखते ही नहीं है। और फिर यहाँ पर x का वैल्यू 50 है तो आपको y का वैल्यू निकालना है, तो अभी इसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, देखिए हमको y का वैल्यू निकालना है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे y ऑन x, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, बी वाई एक्स, यहाँ पर क्या आता है x माइनस x बार, और फिर यहाँ पर क्या आता है y माइनस y बार, तो यहाँ पर लिखते y माइनस y बार कितना है 28, बी वाई एक्स कितना है माइनस 1.5, एक्स माइनस एक्स बार कितना है तो 53। इसके आगे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा क्या माइनस 1.5x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 53 और 15, 5 3 15, 5 5 25, 1 3 3, 1 5 5, 5 9 7, पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 79.5। ओके, अब क्या करना है, तो क्या करेंगे हम 28 को उस साइड ले लेंगे, तो देखिए y इज इक्वल टू माइनस 1.5x प्लस 79.5 माइनस 28, इधर आने के बाद प्लस 28 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो माइनस 1.5x प्लस करिए तो 0.5, 8 + 8 = 16, 1 17, 7 2 9 1 10, यहाँ पे आ गया 107.5। ओके, समझ में आया कैसे किया, दोनों को प्लस कर दिया, ये हो गया y। तो ये क्या है आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अभी इसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 50
इन अबव इक्वेशन. ओके, तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस 1.5 इंटू x के प्लेस पे हमको 50 लिखना है, लिख देते हैं, प्लस 107.5. ओके, अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 1 5 2 7, ये वाला जीरो यहाँ पर, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर. ओके, और यहाँ पे माइनस, प्लस 107.5. ओके, अभी क्या करना है, तो इसमें से इसको घटाना है, चलिए माइनस कर लेते हैं. तो 107.5 में से 75 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे 3, 32.5. ओके, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना, इसीलिए प्लस में हमको आंसर मिलेगा. यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 32.5. ओके, तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर. क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना था हमको, वाई का वैल्यू है ना, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको भी आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे के भी क्वेश्चंस देखते हैं. अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, आपको रिग्रेशन इक्वेशंस दिए गए हैं, पहला ये, दूसरा ये. ठीक है, क्या बोला गया है फाइंड करने के लिए, तो मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स बार और वाई बार बताना है, उसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इट मीन्स आर का वैल्यू भी आप लोगों को बताना है. तो कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए थे. चलो इक्वेशन लिख लेते हैं, ये है आपका पहला इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन 1, और ये आपका है इक्वेशन नंबर 2, जो क्वेश्चन में दिया गया है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, x बार और y बार क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, लेकिन उससे भी पहले प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा. तो ये तो प्रॉपरली अरेंज है, लेकिन ये नहीं है, तो क्या करेंगे, माइनस x को पहले, फिर 16y इज इक्वल टू 64, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, देखो ना, बस आगे पीछे करके लिखा, मतलब क्या, इसी को आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2. ठीक, अब हमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है क्या किसी भी इक्वेशन में, नहीं. देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर सकते हैं. तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, जिससे हमको y का वैल्यू मिल जाएगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो इक्वेशन 1 क्या है, ये देखिए यहाँ पर. वैसे ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आप लोग चाहो तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो. माइनस एक्स प्लस 16 वाई इज इक्वल टू 64, प्लस करना है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं, 5 प्लस 64 69, यहाँ पे माइनस 4 वाई और प्लस 16 वाई, क्या आएगा, 12 वाई. यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 69 अपॉन 12, 3 से कैंसिल करो, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, राइट. अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20. कैसे किया, आप ऐसे डिवाइड करके देखिए, यही आंसर आएगा, 5.75, है ना. ये तो बच्चों वाली चीज़ है, बचपन में सीखा था, है ना. तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू आपको मिल चुका है, लिखिए therefore y is equal to 5.75. ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको x का वैल्यू निकालना है, तो इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 या फिर 2 किसी में भी पुट कर देंगे. तो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे, पुटिंग लिखो या फिर सब्स्टिट्यूटिंग लिखो, कुछ भी लिख सकते हो. तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग y is equal to 5.75 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 4y इज इक्वल टू 5. ओके, y के प्लेस पे क्या लिखना है, 5.75. तो यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 4 इंटू y के प्लेस पे 5.75 इज इक्वल टू 5. इसके आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, क्या आएगा यहाँ पे, 4 5 20, 2 कैरी, 4 7 28, 2 30, और 4 5 23, 23. पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट कहाँ पे आएगा, देखिए, देख करके आपको समझ में आता रहेगा, दो नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे भी 1 2 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट,
मतलब 23। अब क्या करेंगे, इसको उधर लेकर के जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 23 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू हमको मिला 28। तो क्या हमको x बार और y बार मिल चुका है? बिल्कुल मिल चुका है। देखो ये आपका, ये जो y का वैल्यू है यही क्या है आपका y बार, और ये x का वैल्यू क्या है आपका x बार है। तो क्या आप डायरेक्टली लिख दोगे? नहीं, आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है रिग्रेशन लाइंस का, वही क्या होता है, मीन होता है। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस द मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन्स, ओके, रिग्रेशन लाइन्स, सो देयर फॉर, यहाँ पर लिखिए देयर फॉर एक्स बार क्या हो जाएगा 28, और वाई बार क्या होगा 5.75, यहाँ पर लिख देते हैं 5.75। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको मीन बोला था निकालने, तो x बार हमने निकाल लिया, y बार यानी दोनों का मीन हमने निकाल लिया। अभी सेकेंड हमको क्या निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आप एक काम करो, पहले आप इतना लिख लो, उसके बाद में कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी समझाती हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, bx bxy है क्या? नहीं है, तो क्या करेंगे हम, फाइंड करेंगे कैसे, देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे दो केस होगा, पहले केस में हम कंसिडर करेंगे कि ये पहला वाला इक्वेशन हमारा क्या है, y ऑन x, और ये वाला है x ऑन y। ठीक है, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, पहला वाला जो इक्वेशन रहता है उसको मैं कंसिडर करती हूँ y ऑन x, और दूसरे वाले को x ऑन y। ठीक है, आप ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट, पहला वाला इक्वेशन लिखते हैं x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है, यहाँ पर लिखिए एंड दूसरा इक्वेशन, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, तो लिख देते हैं माइनस एक्स प्लस 16y इज इक्वल टू 64 बी दैट ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, अभी इन दोनों से हमको क्या मिलेगा, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, तो इसको लिखते हैं x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। ये क्या है, y ऑन x है, इसका मतलब क्या हुआ कि y इधर रहेगा बाकी सब उधर, तो x को उधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस 5 अपॉन में माइनस 4। ओके, फिर यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल टू माइनस x अपॉन माइनस 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 5 अपॉन 4। माइनस कैसे आया बताओ, देखो यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस आया, उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब बी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है, अभी इससे हमको किसका वैल्यू मिलेगा, तो हमें बी वाई एक्स मिलेगा, यहाँ पर लिखिए देयर फोर बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब उसके बाद सेकेंड वाला लिखते हैं इक्वेशन, माइनस एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 64। ये क्या है, एक्स ऑन वाई है, इसका मतलब क्या, एक्स इधर रहेगा बाकी सब उधर, तो देखो ये माइनस में है ना, तो एक काम करते हैं इस माइनस एक्स को ही उधर ले लेते हैं, ये 16 वाई है ना, 16 वाई, ओके ओके, ये देखो 16 वाई है। ठीक, अब ये एक काम करते हैं, देखो इसको उधर 64 को इधर, तो 16y माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स, इसको सीधा से लिख दीजिए x इज इक्वल टू 16y माइनस 64। अभी इससे हमको bx मिलेगा, bxy मिलेगा, सॉरी हाँ, क्या मिलेगा, bxy, x ऑन y से हमको क्या मिलता है, bxy, और y ऑन x से हमको क्या मिलता है, byx। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, देखो जो पहले है वो पहले आता है, जो बाद में वो बाद में आता है, देखो यहाँ पे भी जो पहले है वो पहले, फिर बाद में जो है वो बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर ये y है, देखो y का कोएफिशिएंट क्या है 16, तो ये क्या हो गया bxy, तो क्या
हमने जो अज्यूम किया था क्या ये राइट है, ये तो हमको चेक करना पड़ेगा ना। कंडीशन कौन सा था, कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी वाई एक्स 1/4। बी एक्स वाई कितना है 16, तो 4 1 4 4 4 16 क्या आया 4। तो 4 1 से छोटा होता है क्या, नहीं, इट इज ग्रेटर देन 1। तो फिर हमने जो अजम्पशन किया था ना वो क्या था, गलत था, फॉल्स था। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि सिंस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, सो दे आर फॉर आवर अजम्पशन इज फॉल्स। ओके, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा आवर अजम्पशन इज फॉल्स। ठीक है, हमने जो अज्यूम किया था वो तो गलत था। तो अब क्या करें, अब हम यहाँ पर देखिए इसको हम कंसिडर करेंगे एक्स ऑन वाई और इसको कंसिडर करेंगे वाई ऑन एक्स, मतलब उल्टा कर दिया। ठीक है, तो चलिए अभी दूसरा केस यहाँ पे ऐसे सेकेंड नंबर डाल दीजिएगा। लेट इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 5 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, इसको अभी हम क्या कंसिडर करेंगे, एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स ऑन वाई एंड दूसरा इक्वेशन लिख लीजिए माइनस एक्स प्लस 16 वाई इज इक्वल टू 64 बी दैट ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो अभी इसको लिखते हैं एक्स माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 5। इसको हमने क्या कंसिडर किया है, एक्स ऑन वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इधर रहेगा बाकी सब उधर, माइनस 4 वाई उधर जाएगा तो प्लस 4 वाई प्लस 5। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर आपको बी एक्स वाई मिलेगा कितना, वाई का कोएफिशिएंट क्या है 4। ठीक है, तो ये मिल गया। अभी हम लोग दूसरा वाला इक्वेशन लिखते हैं, क्या है माइनस एक्स प्लस 16 वाई इज इक्वल टू 64। ये क्या है, वाई ऑन एक्स है, तो वाई इधर रहेगा बाकी सब उधर, तो कर देते हैं देखो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स उधर जाने के बाद प्लस एक्स प्लस 64 अपॉन में क्या आ जाएगा 16, उसके बाद अलग अलग करके लिख देते तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 16 प्लस 64 अपॉन 16। तो 16 1 जा 16 4 जा, यानी यहाँ पर देखिएगा y इज इक्वल टू क्या आया एक्स अपॉन 16 प्लस 4। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिला बी वाई एक्स, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन 16। इतना क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद हम लोग यही वाला कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे, तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स वाई कितना है 4, बी वाई एक्स कितना है 1 अपॉन 16। तो 4 1 जा 4 4 जा, यहाँ पे आया 1 अपॉन 4। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ तो वैल्यू मिलेगा, यानी ये क्या है लेस देन 1, 1 से क्या है छोटा। देखो ये ग्रेटर देन 1 आया था, कहाँ गया ये देखो 4 आया था, ग्रेटर देन 1, ये क्या है लेस देन 1, मतलब हमारा अजम्पशन क्या है ट्रू है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि सिंस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज लेस देन 1, ओके इज लेस देन 1, सो देयर फॉर आवर अजम्पशन इज राइट। तो यहां पर लिखिए देयर फॉर बी एक्स वाई कितना हो जाएगा 4 और बी वाई एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन 16। ओके, अब फाइनली हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखिए फॉर्मूला आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो बी एक्स वाई कितना है 4 है, बी वाई एक्स कितना है 1 अपॉन 16, 4 1 जा 4 4 जा 1 अपॉन 4। इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो 0.42 जा 8, 4 5 जा 20, 0.25। ओके, अब ये क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 0.25 प्लस माइनस। अब बताइए कि इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, मतलब आर का वैल्यू
प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो ये किस में प्लस में, ये किस में प्लस में, तो ये भी किस में आएगा प्लस में ही आएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखिए देयरफॉर आर इज इक्वल टू 0.25 को रूट के बाहर निकाल दीजिए तो क्या आ जाएगा 0.5, ओके प्लस 0.5। क्यों ऐसा, यहाँ पर इसका रीजन लिखिए कि सिंस बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स बोथ आर पॉजिटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आर भी किस में आएगा पॉजिटिव में ही आएगा, ओके समझे। तो ये है आपका फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ।